जी हिंदू स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पढ़ने से पहले इन्वर्टिबल क्या होता है, जैसे हमने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़े थे उस तरीके से अब क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं। नाउ एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर हम अगर उसके अंदर मैं कुछ चेंज लाने हैं तो क्या क्या पॉसिबल वेज हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो मैं मैट्रिक्स के अंदर लगा सकता हूं उन्हें चेंज करने के लिए, मुझे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, ये सब देखेंगे। तो देखा जाए तो टोटल 6 वेज हैं, मतलब 6 ऑपरेशन हैं। ठीक है, जिसमें से 3 किसके हैं, 3 आपके कॉलम के हैं एंड 3 आपके रो के हैं। तो जो मैं 3 ही बताऊंगा, उसको आप कॉलम में भी लगा सकते हो और रो में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, किसकी, फर्स्ट की। तो फर्स्ट जो है वो आपका है इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हमें 1 2 1 -1 √3 1 1 3 7। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको ओपन पे हम आ देते हैं। तो मेरे को क्या करना है, मैं फॉर एनी रीजन मेरे को ये जो फर्स्ट रो है ना इसको चेंज करना है और इसको मेरे को रिप्लेस करना है सेकंड रो से। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लिखूंगा इसमें आर, मेरे को करना है फर्स्ट को चेंज करना है, तो आर फर्स्ट को मेरे को क्या बनाना है, आर टू बनाना है। और ऑटोमेटिकली जब ये वाली रो इधर चली जाएगी, ये वाली रो जब इधर चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी। इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, R1 R2, एरो क्या है दोनों तरफ लगेगा, इसका मतलब R1 R2 बन गई, R2 R1 बन गई। ठीक है, अगर यही ऑपरेशन मेरे को कॉलम में लगाना होता जब मैं क्या करता, C1 C2। ठीक है, दोनों तरफ क्या बनेगा, एरो बनेगा, क्योंकि दोनों रो क्या हो रही है एक दूसरे में एक्सचेंज इंटरचेंज हो रही है। तो क्या बन जाएगी मेरी मैट्रिक्स, इसमें आगे इसे बन जाएगी -1 √3 1 1 2 1 1 3 7। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? जी नहीं, ऐसे नहीं है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मैं चेंज कर दूंगा तो ये इक्वल है, नहीं मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, होंगी क्योंकि मैंने एलिमेंट ही चेंज कर दिए। लेकिन फिर फायदा क्या है, आप सोच रहे होंगे कि ये ऑपरेशन लगाने का फायदा क्या है। तो जब हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो वहां पे हमें जब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तब मुझे इसका बेनिफिट उठाना पड़ेगा। कैसे, अगर कोई मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इधर है और एक मैट्रिक्स इधर है और मेरे को यहाँ पे कुछ बनाना है तो मैं क्या ये ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इसे R1 R2। ठीक है, तो क्या काम होगा, यहाँ की जो रो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 1 वाली 2 बन जाएगी, 2 वाली 1 बन जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर यहाँ की भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे को जो काम अगर मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ तो मैथमेटिक्स में उसमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इसका इतना ही फायदा है, ये मत समझना कि आप रो चेंज कर दोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, नाउ आते हैं सेकंड पे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन रो और कॉलम। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो एक मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि यहां भी 2 बन जाए, क्या बन जाए, 2 बन जाए और यहां पे 4 बन जाए। ठीक है, या फिर यहां 2 बन जाए, इससे मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी बने। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे इसको 2 बनाना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट अगर मैं किसी उससे मल्टीप्लाई करूंगा, बाहर स्केलर से करूंगा, तो उसकी मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन क्या मैं सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जी हाँ, उसके लिए मेरे को सेकंड ऑपरेशन लगाना होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मेरे को फर्स्ट रो में लगाना है तो मैं लिखूंगा R1, मुझे R1 में लगाना है एरो, क्या लगाना है, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 × R1। ठीक है, ये लगाते मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 2, अब इसकी रो 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4
फोर और नीचे वाली एज इट इज 3-4 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने रो ऑपरेशन लगाया है, आर वन गोज टू टू आर वन, आर वन को टू आर वन से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब आर वन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिमिलरली मैं कॉलम में भी लगा सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सी वन टू सी वन, ठीक है। क्या वन वन लेना है? नहीं, जो जिस भी कॉलम में जिस भी रो में आप लगाना चाह रहे हो बस उसको लिख दो, ठीक है। जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई के सी आई, ठीक है, मतलब कोई भी एक कॉलम और उसमें के की मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो उस कॉलम में एज इट इज, कॉलम क्या होता है, ऐसे होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अगर मैं कॉलम लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा अगर मैं सी टू लगा दूं और टू सी टू लिख दूं या फिर थ्री सी टू लिख दूं, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, कॉलम खुद बताओ, पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम में तीन से मल्टीप्लाई, तो थ्री टू जो सिक्स, थ्री फोर जो ट्वेल्व, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है ना, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बस ये क्या करते हैं, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी हो तो दोनों मैट्रिक्स में कुछ चेंज लाना हो तो मैं मुझे एक मैट्रिक्स में लाना है कुछ चेंज, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, ऑपरेशन लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली सेकंड मैट्रिक्स में खुद लग जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे सेकंड मैट्रिक्स से मतलब नहीं है, मेरे को तो एक मैट्रिक्स में चेंज लाना है, तो चेंज लाने के ये तरीके होते हैं जो कि लीगल तरीके हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। नाउ आते हैं थर्ड पे, किस पे आते हैं, थर्ड पे, थर्ड ऑपरेशन। देखो वैसे हमने चार कर लिए हैं, दो इसके, क्यों, क्योंकि तो यहां भी हमने कॉलम कर लिया है, रो कर लिया है और कॉलम कर लिया था, ठीक है, सी वन सी टू, ठीक है। इसका जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई सी जे, क्यों, क्योंकि मैं आई और जे को इंटरचेंज कर रहा हूं, आई और जे को इंटरचेंज कर रहा हूं, यहां पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई के सी आई, मतलब किसी एक कॉलम में मैं किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और हाँ, वन इंपॉर्टेंट बात, ये एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स क्या बना दो, जीरो मैट्रिक्स, अगर ये एक दिमाग लगाओ, अगर ये जीरो मैट्रिक्स हो, जीरो होता, अगर के की वैल्यू आपको परमिशन दे देता कि जीरो है, तो आप क्या करते, आप पूरी मैट्रिक्स को जीरो ही बना देते, पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते, इसको जीरो बना देते, फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो आप पूरी मैट्रिक्स को क्या बनाते, जीरो मैट्रिक्स बना देते, बट ऐसी ये तो गलत बात है, ठीक है। तो इसलिए के की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, के नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन है जी आपके यहाँ पे, ठीक है। और एक और बात, जरूर नहीं है एक ही बार आप ऑपरेशन लगाओ, आप जितनी मर्जी चाहो उतने ऑपरेशन लगा सकते हो, जितनी बार, जितना आपका मन चाहे आप कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। अब ये कैसे लगाने हैं वो मैं थोड़ी आगे बताऊंगा, बस आप समझते रहो कि क्या कैसे कैसे लिखने का तरीका समझते रहो, ठीक है। थर्ड आता है आपका एडिशन, ठीक है, ये बहुत ध्यान सुनना, एडिशन, ठीक है। अब पूरा पूरा नहीं लिखा है मैंने, अभी सिर्फ एडिशन लिखा है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो दिखाता हूं। जैसे एक एलिमेंट रो है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर, इन इस मैं चाहता हूं कि ये जो रो टू है ना, रो टू, इसको मैं रो वन में ऐड करा दूं, तो मैं लिखूंगा आर वन, किसे मैं करवानी है, मेरे को आर वन में करानी है, तो आर वन, तो आर वन क्या बन जाएगी, आर वन प्लस आर टू, ठीक है। आर वन को मैं किस में चेंज करना चाहता हूं, आर वन प्लस आर टू में, ठीक है। अगर मेरे को आर टू में करनी होती, अब देखो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, रिजल्टेंट बनेगी आर टू तो 3-4 ही रहेगा, आर वन क्या बन जाएगी, अब आर वन आपकी क्या बनेगी, आर वन प्लस आर टू, तो ये बन जाएगी आपकी 3-1-4, 4-5-6, तो 4-6 बन गई, ठीक है। मैंने क्या करा, सिंपली आर वन में, आर वन में आर टू प्लस कर दिया। अगर ये हो गया इस, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मेरी मैट्रिक्स बन गई। अगर 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 मैं यहां पर कर देता फोर से, मैं यहां पर कर देता आर टू टेंस टू आर टू प्लस आर वन, अब आपने एक चीज ध्यान रखी होगी, अगर मैं यहाँ पहले आर टू लिख रहा हूं तो यहाँ पे भी आपको आर टू ही पहले लिखना है। देखो ये लिखने का तरीका है, आप मतलब अगर आप आर वन प्लस आर टू भी लिख देते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका है, मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप आर टू में लगाओ और पहले आर टू ना लिखो, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला लगा रहा हूं तो अब मैट्रिक्स में फर्क क्या पड़ेगा, अब आप मैट्रिक्स को ये बोल रहे हो, ये ऑपरेशन लगा के आप मैट्रिक्स को ये बोल रहे हो कि सेकंड रो में जो है फर्स्ट रो को ऐड कर दो, ठीक है। सेकंड रो में आप क्या बना दो, सेकंड रो प्लस फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 1 2, अब 3 1 4 4 5 6, अब ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया, ये ऑपरेशन कब लगाना है, जब मुझे ऊपर वाली में चेंज लाना था तो आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, और नीचे वाली में लाना था। सिमिलरली मैं ये
कॉलम में भी लगा सकता हूं। अब कॉलम में कैसे लगाना है ये आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड में एक और चेंज भी कर सकते हैं, थर्ड में एक और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे आर वन में चेंज लाना है, ठीक है, मैंने कहा आर वन प्लस आर टू। अब जो सेकेंड रो है या फिर जो दूसरी रो है कोई सी भी हो, यहाँ पे दूसरी रो कौन सी, ये वाली, ठीक है, आर टू में तो मैं चेंज ही ला रहा हूँ, किसकी हेल्प से ला रहा हूँ, आर वन की हेल्प से। इसमें मैं किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या इसमें कर सकता हूँ, हाँ, जो सेकंड वाले है, तो अगर इस केस में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इस केस में इसमें करूंगा, मतलब जिसमें मेरे को चेंज लाना है उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। अगर उसमें मल्टीप्लाई करनी है तो आपको सेकंड रूल लगाना होगा, ठीक है, क्या लगाना होगा, सेकंड रूल। बट मुझे क्या करना है, मेरे को जिसमें चेंज लाना है उसको क्या करना है, दूसरी वाली में मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर यही मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स देखना, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को R1 में चेंज लाना है, क्या R1 प्लस R2 को प्लस करना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, क्या करके, 2 से मल्टीप्लाई, 2R2, ठीक है। तो ये मैं लगा सकता हूं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। अब R1 में तो चेंज आएगा, तो R1 को तो आप अभी लिखोगे नहीं, अब पहले R2 को लिखो, 3 4, ठीक है। अब R1 आपने क्या बना दी, R1 प्लस 2R2, तो R1 की क्या थी आपकी 1, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 टू 6 7 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 4 जा 8 9 10, तो ये आपका 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है, यही होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, यही आप कॉलम में लगा सकते हो। R1 को ध्यान रखना, अगर यहां पहले R1 में चेंज ला रहे हो, R1 को अगर आपको चेंज लगा तो पहले आपको R1 ही लिखना है। क्या मैं ऐसे कर सकता था, R1 goes to 2R1 plus R2, नहीं ये नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि पहले आप R1 में ये लगा दो, R1 tends to 2R1, ठीक है, देन फिर ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा सेकंड ऑपरेशन हो गया। देन मैं फिर क्या लगा सकता हूं, इसके अंदर आपका मैं ये वाला लगा सकता हूं, क्या, R1 tends to R1 plus R2। तो देखा जाए अब मेरी जो R1 है वो 2R1 बन गई ऑटोमेटिकली, तो 2R1 plus R2 हो गया, लेकिन मैं ये दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई, पहले मैं अलग अलग ऑपरेशन लगाऊंगा, पहले ये वाला लगाऊंगा फिर ये वाला लगाऊंगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये नहीं है, यहाँ पे आपने जैसे R1 tends to 2R1 कर दिया और फिर अगर आपने ऑपरेशन लगा दिया तो ये नहीं है आप हर जगह आप इसको 2R1 लिखोगे, नहीं, फिर से वो R1 ही बन जाएगी, बस आप एक ऑपरेशन लगा रहे हो, यहाँ जो R1 है वो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक चीज और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है 1 2 1 एंड -1 1 1, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। चलो मैं इसको क्या सिर्फ क्या बोल सकते हैं, आप नेगेटिव भी माइनस भी कर सकते हो दो को, हाँ, कैसे आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे मुझे इन दोनों को नेगेटिव करना है, इस माइनस को मैं हटा देता हूँ, इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा, R1, मुझे R1 में R1 को R1 में से R2 माइनस करनी है, तो मैं ये नहीं R1 tends to R1 minus R2 ऐसे नहीं लिखूंगा, ये गलत तरीका गलत हो जाएगा। मैं यही काम करूंगा लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वे से, R1 tends to R1 और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन की और R2, ठीक है। अब क्या होगा, R2 नेगेटिव हो जाएगी और R1 में वो क्या जाएगा, ऐड हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा, तो ये माइनस हो गई, माइनस वन, ठीक है, ये कैलकुलेशन यहां मत कर देना कैलकुलेशन, तो 1 में से माइनस वन गए तो आपको 0 1 0 1 1 1, आई होप समझ में आ गया, ये आंसर हो गया। क्या कर रहा हूं मैं, R1 में से R1 को R1 प्लस R2 में से माइनस वन की पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर ऐड कर रहा हूं, तो माइनस वन की मल्टीप्लाई जाएगी, क्या जाएगा, माइनस वन, और फिर ऐड करूंगा तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। आप R2 में चेंज नहीं लाना, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं चेंज R1 में ला रहा हूं, देखो मैंने लिखा है जिसमें चेंज लाना है वो पहले लिखी जाएगी, ठीक है, जिसके थ्रू लाने हैं वो बाद में लिखी, जिसके थ्रू चेंज ला रहे हो वो बाद में लिखी जाएगी, उसको पहले मत लिख देना, ठीक है, ये तरीका है। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, अभी हम थोड़ा सा पेशेंस बना के रखते हैं, ठीक है जी, ठीक है। इनवर्ट मैट्रिक्स, तो इनवर्टेबल, तो फंक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई फंक्शन इनवर्टेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉग और गॉफ क्या आता है, आइडेंटिटी के बराबर आता है, ठीक है, फॉग और गॉफ क्या आता है, आइडेंटिटी के बारे में
आइडेंटिटी आ जाता है। अब लेट करो, चलो आपको फॉग और गॉफ आइडेंटिटी, अभी आपने फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा, फिर आपको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कैसे समझनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन्वर्टेबल, अगर मैं आपसे पूछूं इन्वर्टेबल का और क्या मीनिंग है, कि वो मैट्रिक्स अगर उसमें मैं किसी अनदर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, ध्यान रखना स्क्वायर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्क्वायर, ओनली स्क्वायर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो कोई अगर ए मैट्रिक्स, इसको मैं इन्वर्टेबल तब बोलूंगा कि इसमें कोई बी मैट्रिक्स की मैं मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी पता आपको क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1-1 और बाकी सब 0। अगर ये 2x2 की है तो आइडेंटिटी ये हो जाती है, अगर 3x3 की है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी 3x3 की आइडेंटिटी। तो अगर ए को मुझे इन्वर्टेबल बोलना है तो मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी बी जिसकी मैं सब मल्टीप्लाई करूं आई, तो क्या बोलूंगा मैं कि क्या इन्वर्टेबल, साथ ही में बी डॉट ए बी आपको क्या होना चाहिए, आई ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी बराबर आई बराबर बी डॉट ए, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो मैं बोल दूंगा कि ए जो है वो क्या है, इन्वर्टेबल है, ठीक है। ए को भी बोल सकता हूं और बी को भी बोल सकता हूं कि बी इन्वर्टेबल है, रिप्रेजेंट क्या है, ए इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब ए इनवर्स को क्या मैं क्या लिख सकता हूं, बी के बराबर, ठीक है, ये लिख सकता हूं, या फिर बी इनवर्स बराबर ए, ये दोनों बात लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो इन्वर्टेबल है और उसका इनवर्स क्या है, बी है, क्योंकि बी को मल्टीप्लाई करके ही मेरे को आइडेंटिटी मिली है। मैट्रिक्स के अराउंड अगर हम घूमें तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज लग सकता है, बट अगर मैं नंबर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे 3 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे इसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, क्या मिल जाए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलो एक और सिचुएशन लेते हैं, 3 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि वापस से मेरे को 3 मिल जाए, तो आप बोलोगे 1 की मल्टीप्लाई करो, किसकी, 1 की, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, ये क्या हो गई, आइडेंटिटी, कौन सी, मल्टीप्लीकेटिव, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो गई 3, ठीक है। अब इनवर्स क्या होगा, 3 का इनवर्स, तो इनवर्स क्या होता है, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, नाउ 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए, वही होता है इनवर्स। ऐसे ही हमें समझना है इसके मैट्रिक्स के अराउंड में, ठीक है। तो आप खुद बोलोगे कि 1/3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 1/3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं क्या कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल करके मेरे को क्या मिल जाएगा, 1/1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये मैं अभी नंबर्स के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, ये यहाँ पे मैट्रिसेस है, यहाँ पे नंबर्स, नंबर्स के रेस्पेक्ट में आप मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात और बोल सकता हूँ कि ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर बी, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 3 इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूँ ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी रेस्पेक्ट में मेरे को मैट्रिक्स में समझना है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसमें अगर मैं, अगर ये 2x2 की है तो 2x2 की आइडेंटिटी क्या होती है, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को वापस से क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिटी, ये क्या है, आइडेंटिटी। आप चाहे इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्या मिलेगा, ए बी सी डी, ठीक है। ये किसके होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं, किसके लिए, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, वो 2x2 भी हो सकती है, 3x3, एनी ऑर्डर, लेकिन हम तो अभी हमारे सिलेबस में क्या है, 2x2 और 3x3, ठीक है, 4x3 हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ अब मैं आपसे बोलूं, अब ये कोई मैट्रिक्स ए हो गई और ये तो आई है ही, ठीक है। अब ए में मैं बी की मल्टीप्लाई करूं, मेरे को आई मिल जाए, तो ये बी जो होगी वो क्या होगी, ए का इनवर्स होगी, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है ए विच इज इक्वल टू 2, 3, 1, 2, क्या है ये, 2, 3, 1, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है
जिसमें मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए, तो आप बोलोगे जी हाँ एक मैट्रिक्स है बी जिसकी वैल्यू क्या है 2 - 3 - 1 - 2। अब आप सोच रहे होगे यार आपको कैसे सपना आया कि मैंने बी एकदम से लिख दिया, तो ये मैंने तो देख के लिखा है मुझे पता है, लेकिन आगे हम मेथड सीखेंगे कि कैसे इन्वर्स निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, हमें पहले इन्वर्स को समझना है कि एक्चुअली में इन्वर्स होता क्या है। तो आप ए डॉट बी निकालो, मैं आपको अभी ये क्या कर रहा हूँ, आपको अभी मैं बोलने को कह रहा हूँ कि आप ए डॉट बी निकालो, और आप ए डॉट बी निकालोगे तो 100% वो क्या आएगा आई आएगा, क्या आएगा आई। तो आप बोल सकते हो ए डॉट बी निकालो फिर बी डॉट ए निकालो, दोनों में आई ही आना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ए जो है वो इन्वर्टेबल है, ए इन्वर्टेबल बराबर बी, या फिर बी इन्वर्टेबल बराबर ए, क्योंकि गिवन ए था तो इसलिए मतलब ए का ही हमें इन्वर्स निकालना है, ठीक है। बी आपको गिवन नहीं था इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बाकी ट्रू ये भी होगा, ठीक है। नाउ क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स पॉसिबल होता है, तो हम बोलेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर जो होता है m क्रॉस n की फॉर्म में होता है, तो वहां पे a डॉट b कभी भी b डॉट a के इक्वल नहीं आता, a डॉट b नेवर इक्वल टू b डॉट a, इसलिए वहां पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कहां पे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। तो कोई रेक्टेंगुलर कोई पूछ ले तो बोल देना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वहां पे a डॉट b बराबर b डॉट a कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कभी कोई मैट्रिक्स तो मैं ऐसा मिल जाए कि ए में बी की मल्टीप्लाई करूं आपको आइडेंटिटी मिल सकती है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, वो वेरी करती है। ऐसे वहां जरूरी नहीं है वहां पे हमेशा 1 - 1 - 1 ही हो, नहीं वहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट चीज है। बट हमें क्या है, हमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब जैसे तो मैंने ए और बी की मल्टीप्लाई करके मेरे को आई मिल गया, एक चीज और बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे ए की मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्टेबल बी ए आया है, ठीक है, ये इसका क्या है इन्वर्स है, ए का इन्वर्स, तो ये ए के लिए हमेशा यूनिक है, क्या है यूनिक, ठीक है, इसके लिए कभी और कुछ नहीं मिलेगा, कभी ये नहीं है कि ए की अगर ये एक ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2 तो इसके लिए और भी एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं, सिर्फ यही एक इन्वर्स है जिस जो ए के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये बात लेना। तो यह क्या है इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स वो क्या होता है आपका यूनिक होता है, क्या होता है यूनिक होता है, ठीक है। एक चीज बात, अगर ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं तो ए बी का जो अब ये प्रॉपर्टी है, ए बी का इन्वर्स क्या होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल, ठीक है, ये कब होगा जब ए और बी क्या है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब उन दोनों का डॉट क्या आ रहा है, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका डॉट बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं ए बी का होल इन्वर्स क्या होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है। तो हम क्या जान लिया कि इन्वर्स क्या होता है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा वरना करेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर दो ए बी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो ए बी का होल इन्वर्स क्या होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है, इतनी सी बात हमको समझनी है। नाउ अब हम आगे सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे मैंने निकाला ए और ए मेरे को एक मैट्रिक्स थी 2 3 1 2, कैसे मैंने इसका बी मतलब कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स निकाला, ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में। ए मैट्रिक्स है हमारी जिसे बोल देता हूँ ए इज इक्वल्स टू, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 1 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, पिछली बार तो मैंने क्या करता था डायरेक्ट ले दिया था, ठीक है, तो मुझे पता था, बट कैसे निकालना है वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तरीका बताने वाले से एक दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं आई इंटू ए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आइडेंटिटी में किसी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई करते तो मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाते, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तभी तो वो आइडेंटिटी है, तभी तो वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी काम क्या होता है उसमें वो ऑपरेशन लगाओ, मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन करो तो मल्टीप्लीकेशन लगाओ एंड मुझे वापस से अगर वो मैट्रिक्स मिल रही है तो मतलब वो क्या है आइडेंटिटी, ठीक है। ये कौन सा केस लग रहे हैं, ए क्या है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। और मैं एक बात और जानता हूं, अगर मैं लिखता हूं जैसे करो, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं आपका ए, ठीक है, ए इंटू अगर मैं ए इनवर्स लिख दूं तो आप बोलोगे क्या आएगा, ये मेरा आइडेंटिटी के बराबर आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ए में अगर उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए आइडेंटिटी
मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये ए इनवर्स ही मुझे फाइंड करना है, ये ए इनवर्स ही मुझे फाइंड करना है जिसको मैं बी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? बी बोल रहा हूं। तो मैं क्या लिख लेता हूं, मैं इस वाली इसको देखो, इस वाली इक्वेशन में ये ए की वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 2 3 1 2, आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, एंड ए को मैं यहां पे ए ही रहने देता हूं, इसकी वैल्यू नहीं पुट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आइडेंटिटी। कैसे बनाऊंगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या बताए थे? एलिमेंट्री ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। तो मैं वो लगाऊंगा और इसको क्या बनाऊंगा, आइडेंटिटी बनाऊंगा। आइडेंटिटी बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, इसको वन बनाना है, इसको वन, और इसको जीरो, इसको जीरो। और जब ये कभी जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो ए के साथ जो मैट्रिक्स यहां पर होगी वो क्या होगी, ए इनवर्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप क्या होगा, यहां तो आइडेंटिटी है, ए इनवर्स कैसे हो जाएगी? जब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल टू के दोनों तरफ लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जो काम होता है इक्वल टू में दोनों तरफ होता है, आप एक तरफ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। इतनी बात समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूं, मैं इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाऊंगा। अभी मैंने ये मतलब इससे मैं ये काम करूंगा, कैसे, मैं कहीं कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इस ए को आइडेंटिटी बना रहा हूं। और जब भी आइडेंटिटी अकेली हो जाती है तो वो किसका प्रोडक्ट होती है, ए तो ए ही है, तो यहां क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ए इनवर्स निकल जाएगा, मतलब बी निकल जाएगा। ए इनवर्स को मैंने क्या माना है, बी मान लिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं यहां पे आपके रो वाले ऑपरेशन लगाऊंगा। आप क्या हो गए जी, क्यों रो, क्यों कॉलम क्यों नहीं? देखो आप रो भी लगा सकते हो, कॉलम भी लगा सकते हो, लेकिन मैं रो ही पसंद करता हूं, बिकॉज रो में मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। बाकी आप रो भी लगा लो, कॉलम भी लगा लो, आपकी उसमें पूरी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। अब आइडेंटिटी के लिए मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा। एक बार ध्यान रखना कि या तो रो ऑपरेशन लगा लो या कॉलम ऑपरेशन लगा लो, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन अगर एक बार लगा दिया तो फिर वही लगाना है। रो लगाओगे तो फिर रो ही लगाना है, कॉलम मत लगा देना बीच में, ठीक है। ये रूल कहता है, चाहे आप कॉलम लगाओगे तो पूरे में कॉलम, रो लगाओगे तो पूरे में रो लगना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो क्या काम करते हैं, पहले डायगनल को वन बनाओ। क्या बनाओ? डायगनल को वन। तो डायगनल को अगर मुझे वन बनाना है, इसको देखो बस, तो टू इसको किससे डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड कर लो। तो मैं क्या लिखूंगा, ये कौन सी रो है, वन, तो आर वन टेंड्स टू आर वन बाय टू, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी वन थ्री बाय टू, वन बाय टू इक्वल टू। अब जो काम कराए वो यहां पे करो, वन बाय टू जीरो, एंड ये हमारी क्या जाएगी, जीरो वन, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब क्या करना है, जो ये वन बना है इससे बाकी नीचे के जीरो बनाओ, ये जो वन बना है बाकी इससे नीचे के जीरो बनाओ। तो अगर मुझे इससे ये जीरो बनाना है तो सिंपली मैं माइनस करता हूँ। अब जीरो किसे बनाना है, इसको, तो मैं आर टू में ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या? आर टू टेंड्स टू आर टू माइनस आर वन, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, वन थ्री बाय टू जीरो, ठीक है, और टू माइनस थ्री बाय टू कितना हो जाएगा, ये आएगा वन बाय टू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही काम यहाँ करना है, जीरो में से अगर वन बाई टू माइनस हुआ तो क्या बचेगा आपका, माइनस का वन बाई टू, एंड जीरो और वन गया तो वन ही रह जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। देन ये पहला काम कर लिया। देन दूसरा डायगनल एलिमेंट को क्या बनाना है, वन बनाना है, ठीक है। इसको अगर मुझे वन बनाना है तो मैं किससे करूंगा, टू से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ जीरो बना दिया, अगर ये जीरो बन चुका है इसका मतलब अब मैं किसी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इस एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने जीरो बनाया। फिर से बोलता हूँ क्या करना है, पहले फर्स्ट डायगनल एलिमेंट को वन बनाना है, फिर उसके नीचे वाले जीरो बनाना है, फिर सेकेंड एलिमेंट को इसको वन बनाना है, ठीक है। ये काम करना, हमेशा आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको वन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आर टू में मल्टीप्लाई करूंगा टू आर वन की, किसकी, सॉरी टू आर टू की, मतलब टू की मल्टीप्लाई करूंगा आर टू में। तो ये क्या बन जाएगा, वन थ्री बाई टू जीरो एंड वन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई टू माइनस वन टू जीरो, ठीक है। सिंपल क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब अगर मेरे को, अब मुझे क्या करना है, ये मैंने वन बना लिया, अब जैसे यहाँ जीरो बनाया था ना, ऐसी इसी कॉलम में मैं देखूंगा, इसको जीरो बनाऊंगा, किसको, इसके ऊपर वाले को, ठीक है। थ्री बाई थ्री का कैसे करना है वो अलग बात है, पहले हम टू बाई टू सीख लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, टू बाई टू सीख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस वन से इसको जीरो बनाऊंगा। नाउ
ये कैसे बनेगा, मैं ये मुझे इसको जीरो बनाना है, मतलब आर वन में चेंज करना है। क्या करना है, आर वन में चेंज करना है। अब आर वन में क्या करूं, वन में से क्या माइनस करूं, तो अगर ये थ्री बाई टू है तो क्या माइनस कर दूं, थ्री बाई टू ही माइनस कर देता हूं। क्या करता हूं, थ्री बाई टू माइनस कर, तो थ्री बाई टू को माइनस करने के लिए मतलब क्या है, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, आर वन में माइनस करना पड़ेगा थ्री बाई टू आर टू। ठीक है, वन की हेल्प से मुझे जीरो बनाना है, वन की हेल्प से। कैसे बनेगा, थ्री बाई टू मैं आर टू में मल्टीप्लाई करूंगा तो वन है, ये जीरो है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका क्या हो जाएगा, वन, ये क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। तो वन जीरो, अब ये तो वन ही रहेगा क्योंकि देखो ये जीरो है, जीरो में जब मैं थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करूंगा जीरो रहेगा, तो वन में से जीरो गए वन ही रहेगा। ठीक है, नाउ थ्री बाई टू, थ्री बाई टू ये आर वन, थ्री बाई टू माइनस वन इंटू थ्री बाई टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका थ्री बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू आपका जीरो हो जाएगा। देखो आइडेंटिटी तो यहाँ बन गई, ठीक है, आइडेंटिटी बन गई। अब चेक कर लेते हैं यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब भी आइडेंटिटी बचती है अकेली तो ए के साथ हमेशा क्या होता है, ए इनवर्स होता है, ऑटोमेटिकली वो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस आर वन, तो जब मैंने इसमें थ्री बाई टू की मल्टी, अब यहाँ पे काम थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। देखो मुझे आर वन में लगाना, आर वन में मैंने इसमें थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करी, किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा। नाउ वन बाई टू में से मुझे माइनस करना है, माइनस का थ्री बाई टू, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, वन बाई टू माइनस माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस का थ्री बाई टू, तो प्लस हो जाएगा, तो दो तीन चार, तो मेरा क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, क्या जाएगा, दो आ जाएगा यहाँ माइनस वन टू। अब ऊपर देखता हूँ ऊपर क्या आएगा, इसमें जब मैं टू थ्री बाई टू की मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री बाय टू की मल्टीप्लाई करूंगा, तो टू टू गया थ्री बचा, फिर जीरो में से थ्री गए माइनस का थ्री बचा, क्या वाला थ्री बचा, तो जो ए इनवर्स हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू माइनस वन माइनस थ्री एंड टू, ये आपका आंसर आ गया। फिर उसे क्या करना है, मैं बता हूँ, पहले इस एलिमेंट को वन बनाना है, इससे इसको जीरो बनाना, फिर इसको वन बनाना और इससे इसको जीरो बनाना। ठीक है, और जो ऑपरेशन आप यहां लगा रहे हो वो इसमें लगाते चलाना, ये ऑटोमेटिकली आपको क्या, कहां तक ले जाएगी, ए इनवर्स तक ले जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग कुछ एग्जांपल थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कल की वीडियो में और एग्जांपल लूंगा, आज इतना ही रखते हैं, टू बाई टू के थोड़े और एग्जांपल चेक करेंगे, फिर थ्री बाई थ्री को कैसे, देखो थ्री बाई थ्री के लिए भी यही अप्रोच रहेगी, बस वो थोड़े लेंदी है इसलिए वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, वरना अप्रोच एकदम बिल्कुल सेम डिट्टो यही है। फर्स्ट को एलिमेंट को अपना वन बनाओ, उसके फिर उसी कॉलम के जो है जीरो बनाओ, ठीक है, रो ऑपरेटर लगा के, कौन सा, रो ऑपरेटर लगा के, फिर सेकंड में आ जाओ, सेकंड में इसको वन बनाओ डायगनल को, फिर उसकी मदद से बाकी सबको क्या बनाओ, जीरो बनाओ। ठीक है, यही काम करना है और कुछ नहीं करना। रो लगा रहे हो तो पूरी में रो लगाना है, कॉलम लगाओगे तो कॉलम लगाना, रो लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं रो लगाऊंगा तो आप जिसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें समझ लोगे तो बेटर है, बाकी आप कॉलम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं एंड करते हैं, जय हिंद, अपना ध्यान रखो एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो एंड स्टे सेफ स्टे हैप्पी।